नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉड गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज बात करूँगा एक ऐसे प्लांट के बारे में जिसे देखकर लगता है जैसे किसी कलाकार ने कैनवस पर रंग बिखेर दिए हों। मैं बात कर रहा हूँ क्रोटन प्लांट की। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला ये प्लांट आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा। क्रोटन प्लांट को ग्रो करने और उसकी देखभाल से जुड़ी तमाम बातों के बारे में आपको डिटेल में बताऊं, उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। दोस्तों, हम नर्सरी से कोई भी पौधा घर तो ले आते हैं, लेकिन ये जानकारी लेना भूल जाते हैं कि वो पौधा किस जलवायु का है और किस तरह की आबोहवा में बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं, क्रोटन एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल जलवायु का प्लांट होने की वजह से इसे ह्यूमिडिटी और ब्राइट लाइट पसंद है। थोड़ी केयर और इन दो बातों का ध्यान रखकर आप क्रोटन प्लांट को अच्छी तरह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रोटन प्लांट के लिए आपको किस तरह की मिट्टी चाहिए, इसे कितनी देर धूप में रखना है, इसमें कितना पानी चाहिए, खाद किस मात्रा में डालनी है और गमला कैसा होना चाहिए, अगर कीड़े लग जाएं तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक बताना मत भूलिएगा। बताइएगा कि आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको मेरे टेरेस गार्डन पर लगे क्रोटन प्लांट से मिलवाता हूँ। यह है गोल्ड स्टार क्रोटन। इसकी पत्तियाँ ग्रीन कलर की होती हैं और उसके ऊपर येलो कलर का पिगमेंटेशन होता है। इसकी पत्तियाँ देखने पर ऐसी लगती हैं जैसे ग्रीन पेपर के ऊपर किसी ने येलो कलर छिड़क दिया हो। मेरे पास गोल्ड स्टार क्रोटन की दो तरह की वैरायटी हैं, एक बड़े पत्तों वाला और एक ये छोटे पत्तों वाला। मेरे पास क्रोटन की एक ये वैरायटी भी है, इसे एलेनोर रूजवेल्ट क्रोटन कहते हैं। इसकी पत्तियाँ लंबी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे हरी पत्तियों पर किसी ने कलर फेंक दिया हो। देखिए, इस वाले प्लांट में एक फ्लावर भी निकल आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक झुमके के आकार का फ्लावर है। ये देखिए, बहुत खूबसूरत पत्तियाँ तो खूबसूरत हैं ही, ये जो फ्लावर इसमें आया हुआ है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास जो तीसरी वैरायटी का क्रोटन है उसका नाम है मैमी क्रोटन। मैमी क्रोटन की खूबी ये है कि इसकी पत्तियाँ घूमी हुई होती हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसकी पत्तियों को मरोड़ दिया हो। चलिए अब बात करते हैं कि क्रोटन प्लांट को कैसे ग्रो किया जाए, इसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ क्रोटन प्लांट के लिए मिट्टी कैसी चाहिए। क्रोटन प्लांट को ओवर वाटरिंग यानी ज़्यादा पानी सख्त नापसंद है। ज़्यादातर लोग क्रोटन प्लांट मर जाने की शिकायत करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह पानी है। क्रोटन के लिए हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं लेकिन नमी बरकरार रहे। पर ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह क्रोटन प्लांट की मिट्टी गीली ना रहे। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें क्रोटन प्लांट के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो और पोरस हो। क्रोटन प्लांट के लिए मिट्टी का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, चलिए ये नोट कर लीजिए। आप एक पार्ट लीजिएगा गार्डन सॉइल, एक पार्ट बालू यानी रेत और एक हिस्सा लीजिएगा खाद यानी कंपोस्ट का। यानी आपको क्रोटन प्लांट के लिए चाहिए गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और रेत यानी बालू, तीनों एक एक हिस्सा चाहिए। अब इन तीनों को अच्छे से मिला लीजिएगा। इस तरह से क्रोटन प्लांट के लिए एक अच्छी वेल ड्रेनेज सॉइल बनकर तैयार हो जाएगी। अब दूसरी बात, क्रोटन प्लांट को किस जगह पर रखना है, उसके लिए कितनी धूप चाहिए, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सामान्य तौर से क्रोटन प्लांट को धूप यानी डायरेक्ट सनलाइट पसंद है। अगर बहुत तेज़ गर्मी नहीं है तो क्रोटन प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप अच्छी लगती है। धूप में रखने से क्रोटन प्लांट की पत्तियां और ज़्यादा कलरफुल हो जाती हैं,
जैसे ही आप इन्हें ज़्यादा दिन छाया में रखते हैं तो नई पत्तियों का वाइब्रेंट कलर गायब होने लगता है और वो हरे रंग में बदल जाती हैं। हालांकि क्रोटन की ऐसी कई वैरायटी भी हैं जो सेमी शेड एरिया में रखी जा सकती हैं। मेरी टिप्स ये है कि आप अपने क्रोटन प्लांट को ईस्ट, वेस्ट और साउथ विंडो के पास रखें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, क्रोटन प्लांट को पानी कैसा चाहिए। क्रोटन प्लांट को ओवर वाटरिंग से एलर्जी है, इसलिए पहली बात, क्रोटन प्लांट में बहुत ज़्यादा पानी न डालें। बस इतना ध्यान रहे कि जिस गमले में प्लांट लगा है उसकी मिट्टी में नमी रहे। जब भी पानी डालें तो एक बार चेक जरूर कर लें कि गमले की ऊपर की एक दो इंच की मिट्टी सूखी है या नहीं। क्रोटन प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा दिनों तक ड्राई ना होने दें, इससे भी प्लांट को नुकसान पहुँचता है। क्रोटन प्लांट के लिए एक और बात का ध्यान रखें, वो है ह्यूमिडिटी। जैसा मैंने शुरू में बताया था, क्रोटन प्लांट ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। ट्रॉपिकल एरिया में हमेशा ह्यूमिडिटी बनी रहती है, इसलिए क्रोटन के लिए भी हमें ह्यूमिडिटी बना के रखनी होगी। क्रोटन प्लांट को 40-80% ह्यूमिडिटी लेवल बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ह्यूमिड कंडीशन में क्रोटन प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करते हैं। अगर आपके इलाके या घर में ह्यूमिडिटी कम है तो आप अपने क्रोटन प्लांट पर हफ्ते में एक बार पानी का स्प्रे कर सकते हैं। क्रोटन प्लांट पर पानी का स्प्रे करने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके प्लांट पर लगी धूल खत्म हो जाएगी और प्लांट खूबसूरत दिखने लगेगा। क्रोटन प्लांट के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, इसकी पत्तियों को डस्ट मैग्नेट कहा जाता है। इस पर धूल बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए इस प्लांट की साफ सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है। गर्मियों के महीने में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लू चलने लगती है, तब पानी का स्प्रे क्रोटन प्लांट के लिए लाइफ सेविंग बन जाता है। अगर आपके इलाके में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो गर्मियों में क्रोटन प्लांट को छायादार जगह पर रख दें, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। और ध्यान रखें कि आपके कंटेनर में मॉइस्चर बना रहे। ध्यान रखिए, क्रोटन प्लांट के मरने की दो सबसे बड़ी वजह, पहली है ओवरवाटरिंग और दूसरी है बहुत तेज़ गर्मी, तो आपको इन दोनों से ही इसको बचाना है। क्रोटन प्लांट को फर्टिलाइज़र कितना देना है और कब देना है, ये भी एक अहम सवाल है। तो दोस्तों, क्रोटन प्लांट को जाड़े को छोड़ करके बाकी सब समय अच्छी खाद की ज़रूरत पड़ती है। क्रोटन के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे अच्छा माना जाता है। आप घर पर ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में डाले हैं। आप बहुत आसानी से इन्हें देखकर लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। सर्दी के मौसम में फर्टिलाइज़र क्यों नहीं डालना है क्रोटन में, इसकी वजह भी आपको बता दूँ। दरअसल सर्दी के मौसम में क्रोटन डॉर्मेंट हो जाता है, इसलिए जाड़े में इसमें कोई खाद ना डालें। क्रोटन प्लांट ग्रो करने के लिए गमले का सिलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गमला ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी निकलने के लिए अच्छे होल हों, जिससे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। क्रोटन प्लांट के लिए आप कम से कम 10 से 12 इंच का कंटेनर ज़रूर लें, क्योंकि क्रोटन का प्लांट तेज़ी से बढ़ता है और इसकी जड़ें फैलती हैं, इसलिए छोटा गमला ना लें। अगर प्लांट बड़ा हो गया है तो प्लांट को बड़े पॉट में लगा दें, लेकिन ध्यान रखें रीपॉटिंग स्प्रिंग सीजन में ही करें। दोस्तों, क्रोटन प्लांट को लेकर आपको एक और टिप्स बता देता हूँ। क्रोटन प्लांट पर मिलीबग, स्पाइडर माइट जैसे कॉमन पेस्ट अटैक करते हैं। आपके क्रोटन प्लांट में इस तरह के पेस्ट अटैक ना करें, इसके लिए आप अपने क्रोटन प्लांट पर समय समय पर वाटर का स्प्रे करते रहें। आप 2 हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, इससे आपका क्रोटन प्लांट इन कीड़ों से बचा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका क्रोटन प्लांट बहुत शानदार होगा, हेल्दी ग्रो करेगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा।
बेल आइकन भी दबाइए, जिससे जब भी मैं नए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। दोस्तों, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये बताइएगा कि आप और किन किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।